जब से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, तब से ही मालदीव को नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। मालदीव के लिए नुकसान भी ऐसा जिस पे जीवन निर्भर करता है, यानी कि भोजन से जुड़ी हुई वस्तुएं। देखिए, मालदीव में 20 कंटेनर अंडे हर महीने भारत से मालदीव के लिए जाते हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि करीब 4000 करोड़ अंडे भारत में उत्पादन किए गए। इसमें से अकेले जो अंडों का उत्पादन है वो 65% वो 5 राज्यों ने किया था। उसमें सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर कर्नाटका और चौथे नंबर पे ईस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पे तमिलनाडु। यहीं से 65% अंडों का उत्पादन किया गया था। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। मालदीव को लेकर चल रही चर्चाएं पोल्ट्री फार्मर को डरा रही हैं। पोल्ट्री फार्मर को डरा इसलिए रही हैं कि दोनों देशों के बीच चल रही खींचातानी के बीच कहीं उनका नुकसान न हो जाए, क्योंकि दक्षिण भारत से कई राज्यों से मालदीव के लिए जो अंडे हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम पोल्ट्री फार्मर की माने तो 80% जो अंडे हैं वो भारत से ही मालदीव के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मालदीव भारत के अंडों का सबसे बड़ा खरीदार है और कोची एयरपोर्ट से ही मालदीव को अंडे भेजे जाते हैं। मालदीव इसी वजह से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो अंडे हैं भारत से एक तो सबसे ज्यादा कम रेट में मिलते हैं और सबसे अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाता है। इन्हीं कुछ वजहों से मालदीव आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। आपको कैसा लगा यह वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।